अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्लीव का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने स्लीव की कटिंग ऑलरेडी की हुई है। लेंथ मैंने 9 इंच ली है और फ्रंट से मैंने 5 इंच खुली रखी है और स्लीव की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच रखी है। अब मैंने ये एक फैब्रिक का स्क्वायर पीस लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर लेनी है आपने। इसे इस तरह से फोल्ड कर लें और दोबारा फोल्ड करें, ये बिल्कुल एक चकोर पीस बन जाएगा। ये देखें, 7 इंच इसकी चौड़ाई है और 7 इंच ही लंबाई है। इसकी कटिंग सेम अम्ब्रेला फ्रॉक की तरह ही होती है। अब यहाँ पे मैं 1 इंच पे सर्कल ड्रा करके इसकी कटिंग कर लूँगी। मैंने ये 1 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रखा है। किनारे पर इस तरह से निशान लगा के फिर सेंटर में लगाएं और इस तरह से राउंड शेप ड्रा कर लें और इसकी कटिंग कर लें। सेंटर में ये एक सर्कल बन जाएगा और स्लीव के फ्रंट पे ये इस तरह से अटैच होगा। स्लीव पे शोल्डर वाली साइड ये मैंने मल्टी कलर के थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई हैं। ये वाला धागा मैंने यूज़ किया है। सेंटर की जो सिलाई है वो 4 इंच तक लंबी है और जो साइड वाली सिलाइयाँ हैं वो 3 इंच तक लंबी हैं और इनके दरमियान गैप 1.25 इंच तक रखा है मैंने। अब हमने स्लीव की फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, स्लीव की जो फिटिंग की सिलाई है वो मैंने लगा ली है। अब जो पैटर्न हमने कट किया था स्लीव के फ्रंट साइड पे हमने वो अटैच करना है। पैटर्न को इस तरह से खोल लें और जो सेंटर में ये सर्कल बना हुआ है इसको और स्लीव के सर्कल को इस तरह से मिला के अच्छी तरह से सेट करके पिने लगा लें ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये ऊपर नीचे ना हो और सिलाई बिल्कुल सीधी लग जाए। अब राउंड में इस तरह से सिलाई लगा के दोनों को हमने अटैच कर लेना है। यहाँ पे इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो बेल की और स्लीव की सीधी साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है। फिर बेल को स्लीव पर इस तरह से पलट लेना है और दोनों सर्कल्स को मिला के राउंड में हमने सिलाई लगा लेनी है। सिलाई आप कहीं से भी शुरू कर सकती हैं। स्लीव की जो फिटिंग की सिलाई है मैं वहाँ से शुरू कर रही हूँ। सिलाई लगाते हुए इस बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, ये जो बेल शेप का पैटर्न है इसको खींचना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से सिलाई लगानी है। अगर आपको लगे कि बेल का जो सर्कल है वो स्लीव से बड़ा हो रहा है तो इसमें 1-2 चुनर्स डाल के इसको आप स्लीव के बराबर कर लें। ये देखें, बेल को हमने स्लीव के साथ इस तरह से अटैच कर लिया है। स्लीव को खोलने के बाद बेल की शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगी। बेल को यहाँ से अब मैं बारीक फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। आप चाहें तो पिको वगैरह भी करवा सकती हैं। ये देखें, फोल्ड करके मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे मैं लेस लगा लूँगी।
लेस अटैच करने के बाद स्लीव डिज़ाइन हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। शोल्डर वाली साइड ये जो थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई थी इनके किनारों पर आप चाहें तो इस तरह से बटन लगा लें या फिर छोटे छोटे से टसल भी लगा सकती हैं या फिर इस तरह की कोई भी एक्सेसरी आप यूज़ कर सकती हैं जो आपको अच्छी लगे। ये है जी स्लीव की फाइनल लुक। पहनी हुई ये स्लीव बहुत ही स्टाइलिश लुक देती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।